हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनशेर। तो आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके आया हूं मैं आज मॉडिफिकेशन। सो कि बहुत ही फिर से सस्ता है और ये आप लोग एंजॉय भी करेंगे। आजकल का मतलब ट्रेंड चलता है स्प्लेंडर की हेडलाइट का, कि हेडलाइट को कैसे मॉडिफाइड किया जाए जो कि काफ़ी शानदार दिखेगी। तो चलो आज इसी टॉपिक पर मैं मॉडिफाइड मतलब मॉडिफिकेशन लेके आया हूँ। चलो शुरू करते हैं यार। और यार प्लीज़ ना चैनल को सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं अभी, मतलब 200 के समथिंग ही हुए हैं। तो यार ऐसे कैसे चलेगा चैनल? चैनल तभी चलेगा ना, मतलब कि यार कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए उसके लिए। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ फिर मैंने क्या क्या मतलब इंस्टॉल किया उसमें और क्या इतना कितना खर्चा आया है मेरे में, तो सब कुछ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ रुको 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 यार, लाइक और शेयर भी तो करना होता है ना वीडियो को, तो यार वो भी जरूर करना है ना। बिल्कुल लाइक और शेयर दोनों वीडियो को करना है, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं यार, लेट्स सी यार। सो मैं तो निकल आया हूँ घर से, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं। तो अभी यार जो भी सामान है वो परचेस करना है, उससे पहले थोड़ा पेट्रोल डलवा लें। पहले चलो पेट्रोल डलवाते हैं। सो यहाँ डल रहा है अपना पेट्रोल। पेट्रोल ये काफ़ी महंगा ही होता है यार, है ना। चलो चलो पेट्रोल तो डल गया अपना। रुको रुको रुको, ये क्या हायबूशा जा रही है आगे ले तो टैन टैन हायबूशा, मतलब बाइक से भी आगे ले जा रहा है ये तो यार। तो सामान तो मैं लेके आया हूँ, एक जाली है, एक ग्लास है और एक है एम सील। बस ये तीन चीज़ें आपको लेनी है जिससे मार्ज मॉडिफाइड होगा। तो पहले ये जाली है, जाली और जो ग्लास है ये 5x7 का साइज़ रहता है इसका। उससे पहले इन दोनों को लगाने के लिए पहले जो वाइज़र है इसके नट खोलने पड़ते हैं। अपन इसके दोनों नट खोलेंगे, 10 नंबर की जो की चाबी होती है उससे ये दोनों नट खोलेंगे। और ये अभी नट खुल रहे हैं दोनों। एक्चुअली जो इसके ऊपर की प्लास्टिक होती है ना, ये ऊपर वाला कांच, तो बस ये अकेला निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। और ये मैंने निकाल दिया, काफ़ी मुश्किल से निकला है क्योंकि इसमें क्या लॉक होते हैं तो बड़े संभाल के निकालना पड़ता है कहीं टूट ना जाए। तो अभी मैं बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। तो पहले जो है जाली है, पहले अपन उसको लगाएंगे, ये वाइज़र के अंदर की साइड से लगाना है। तो ये अंदर की साइड मैंने लगा दी है, फिर उसके बाद ही ये ग्लास लगेगा। तो ग्लास लगने के बाद कैसा लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगेगा कुछ इस तरह से, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, दूर से देखो अच्छा लग रहा है। तो इसको पहले टिकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम सील लेनी पड़ेगी। हम सब अपन खोल लेते हैं। There's a distance between us.
It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. मैं बता देता हूँ टोटल कॉस्टिंग जो लगी है मेरी, 80 रुपये लगी है, जिसमें 50 रुपये की जाली है, 20 रुपये का ग्लास है और 10 रुपये की सिर्फ एमसील है। तो टोटल कॉस्टिंग जो भी इस पर लगा है वो सिर्फ 80 रुपये की ही है। तो जाली पे तो अपन ने एमसील लगा दी थी, अब लगाना है ग्लास। ग्लास को बड़े संभाल के लगाना, क्योंकि ये क्या है ना, मतलब उतना ही साइज़ होता है और कहीं से ये ना हो टूट जाए, तो बड़े संभाल के लगाना पड़ता है इसे। और ये फिट तो हो चुका है, अब क्या करना है, बस इसके ऊपर जो एमसील है वो अपन लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे अपन कुछ देर धूप में। खट्टा सा मुंह आ रहा है। लगभग कम से कम अगर आधा घंटा छोड़ सको तो और बेटर रहेगा, क्योंकि बिल्कुल ये पक्का हो जाएगा। फिर क्या है, कभी जल्दी छूटेगा नहीं, फिर ये क्या है ना, जल्दी छूटेगा नहीं, इसलिए अपन क्या है इसको एमसील को अच्छे से भर देते हैं। हो चुके हैं अभी 30 मिनट्स हो चुके हैं, यानी आधा घंटा हो चुका है। अब देखते हैं इसको, मतलब काफ़ी पक्का हो। और फाइनल तैयारी है इसको लगाने की, तो अपन इसको लगा देते हैं ऊपर। There's a distance between us, it's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again.